हेलो फ्रेंड्स लक्ष्मी स्क्रीन नेचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये गुलदाउदी का पौधा और जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है इसको फेबररी के लास्ट में मैंने कटिंग लगाई थी इनकी अपने ही पौधों में जो मेरे गमलों में पौधे थे गुलदाउदी के तो उनकी मैंने कटिंग लगाई थी कुछ और आप देख सकते हो कितनी अच्छी इनकी कटिंग चल पड़ी है और ये जो आप खाली जगह देख रहे हो ना यहाँ पे लगाई थी मैंने कटिंग्स लेकिन कुछ के कुछ कुछ पौधे मर गए हैं तो देखिए जो है वो चल पड़े अच्छे तरह से तो देखिए फ्रेंड्स मैं आज आपको इनको गमले में ट्रांसफ़र करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं गमले में लगाऊँगी इनको तो आप बने रहिए वीडियो में देखिए थोड़ा मैंने पानी नहीं दिया अभी मैं मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ अगर निकल जाएगा तो ठीक है नहीं तो मुझे पानी देना पड़ेगा मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो गई है इसमें रेत और मिट्टी दोनों मिक्स करके लगाया है अंदर से तो मिट्टी थोड़ी गीली है ही देखिए इसकी जड़ आप देख सकते हो कितनी वैसे तो मुझे ट्रांसफ़र पहले कर देना चाहिए था क्योंकि रूट तो इसका पहले ही बन चुका था लेकिन मैं फिर भी वेट कर रही थी मैंने कहा थोड़ा मौसम बीच में चेंज हो रहा था तो अभी मौसम बहुत अच्छा है दो तीन दिनों से तो मैंने कहा चलो आज का ही टाइम अच्छा है बारिश का मौसम हो रहा है वेदर बिल्कुल इन पौधों के लिए ट्रांसफर करने के लिए बहुत अच्छा है आप लोग भी फ्रेंड जो जो भी अपना पौधा ट्रांसफ़र कर रहे हो या कटिंग ग्रो कर रहे हो तो इस समय बिल्कुल आप बेझिझक कर सकते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है मौसम थोड़ा सा मेहरबान हो चुका है तो देखिए इस तरह से मैं अब एक एक करके सब कटिंग निकालूंगी और इसको मिट्टी मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ दूसरा भी एक दो निकाल करके तब फिर आपको दिखाती हूँ साइड साइड से निकाल करके सावधानी से निकालना है ये नहीं कि कहीं भी बस इसको खुरपी लगा दे जड़ को नहीं टच करना जड़ को कट नहीं होना चाहिए थोड़ी सी मिट्टी ढीली करके और इस तरह से आराम से सॉफ्ट हाथ से निकालना है जो न्यू गार्डनर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल उनके लिए बताया जाता है इस तरह से वीडियो में कि केयरफुली ही इनको हमने मिट्टी से निकालना है जल्दबाजी नहीं करना है बाकी ट्रेन गार्डनर्स हो उनको तो बताने की जरूरत नहीं हो तो बस उनके लिए तो बाएँ हाथ का खेल होता ही है फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए जड़ को निकालते समय क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही करने से पौधों का हमारा जो भी मेहनत से हम ग्रो करते हैं सारा बेकार हो जाता है तो देखिए इधर मैंने गमले तैयार करके रखे हैं इनमें मैं लगाऊंगी और मैंने गमलों में पानी डाल दिया कि ताकि कि बाद में फिर पानी डालने की पानी कम डालूंगी बाद में पौधे फिर नहीं तो हिल जाते हैं इस तरह से पानी डाल करके मिट्टी इसकी अच्छी तरह से बैठ जाती है अब मैं इस साइड के भी निकालूंगी इनको भी निकालूंगी सारे ही तो देखिए दोनों पास पास ही है फिर भी बड़े आराम से निकालूंगी और मिट्टी अच्छी होने के कारण ये आराम से निकल भी जाएगा और आप देख सकते हो किस में मैंने लगाया थर्मा का बॉक्स था इसमें ही लगाया देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से रूटिंग हो रखा है और साइड साइड से सूट भी निकल रखे हैं इसके सूट सारे निकल रखे हैं देखिए आप मिट्टी देखिए कितनी अच्छी है ऐसी मिट्टी होनी चाहिए हर पौधों के लिए देखिए आप सूट्स देख रहे हैं इनके कैसे निकले हुए हैं मैं पूरा आपको पास से जूम करके दिखा रही हूँ मैं तो सब गमलों में देखिए इस तरह से मैंने इधर लगा दिया अब इसको भी साइड लगाऊंगी मैं आपको एक एक कटिंग निकाल निकाल के दिखा रही हूँ ताकि धोखा ना रहे कि कई सोचते हैं कि नहीं ऐसे ही होता है तो इसलिए मैं आपको खास करके एक, एक एक कटिंग निकाल के दिखा रही हूँ कि देखिए मिट्टी में किस तरह से ज़बरदस्त पकड़ आ रखी इनकी दो तो महीने में इनकी कटिंग किसी किसी की कि बहुत अच्छी चल पड़ी है और किसी किसी की कि थोड़ी सी कम ग्रोथ हो रखी है तो सारा ही दिखा रही मैं आपको बहुत अच्छी वाली कटिंग भी है और थोड़े से कम ग्रोथ वाली कटिंग भी है तो ऐसे ही होते हैं नेचुरल है ये बिल्कुल आप लोग कई लोग होते हैं ना कि बोलते नहीं सबकी एक ऐसी कटिंग होनी चाहिए मन कभी घबराता है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि नहीं सबके साथ ही होता ही ये कोई कटिंग अच्छी चल पड़ती है और कोई कटिंग थोड़ी स्लो चलती है ग्रोथ आगे पीछे किसी की हो जाती है लेकिन होती है कटिंग तो देखिए इधर ये भी कुछ छोटी हैं तो मैं आप सबको ही आज ट्रांसफ़र करूँगी अब देखिए इसमें मैंने ये मिठाई का बॉक्स था इसमें मैंने एक तरफ रेत में लगाया है और एक तरफ मैंने जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो ना वो गोबर की खाद है तो मैंने दोनों में ही लगाया था गोबर की खाद वाले में थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ गया था फ्रेंड्स तो उसके जो भी कटिंग चल पड़ी थी लेकिन वो सड़ गए आपको पता है ज़्यादा पानी से भी पौधे सड़ जाते हैं यही कारण हुआ कि उधर नहीं हुआ है और ये रेत वाला देखिए ये पूरा रेत रेत में है आप देख सकते हैं मैं थोड़ा पानी डाल दिया इसमें और देखिए इसमें इसकी रूटिंग कितनी अच्छी है जड़ें आप देखिए और ये रेत जो है दो तीन पानी से धोने के बाद में ये मोटे मोटे रेत इस तरह से बच जाते हैं तो उसी में मैंने लगाया है देखिए मैं आपको बिल्कुल सारा रेत हटा करके दिखा रही हूँ इसमें कितनी अच्छी तरह से जड़े आ रखी हैं पानी में ये होता है ना जो रेत है उसमें ये होता है कि एक्स्ट्रा पानी अगर पड़ भी जाता तो वो क्या होता है निकल जाता सारा देखिए इसमें देखिए बिल्कुल रेत के साथ में और कितनी अच्छी तरह से पकड़ हो रखा है इस छोटा सा ही गहराई है इसमें इसमें ज़्यादा वो नहीं है जो ये डब्बा है मिठाई का डब्बा है इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं है देखिए फिर भी उसमें जड़ अच्छी तरह से पकड़ रखी है देखिए मैं सारा झाड़ के दिखा रही आपको बिल्कुल नेचुरल है बिल्कुल ही नेचुरल है इसलिए मैं बिल्कुल एक एक करके आपको दिखा रही हूँ मैं कटिंग अगर हम लगाते हैं तो बहुत आसानी से कटिंग भी लग जाती है ऐसी कोई बात नहीं कि कटिंग नहीं लगती है कुछ मर जाते हैं बेस ही है ऐसे कि कोई एक आप दो तो, चार कटिंग लगाते हैं उनमें से कुछ कटिंग मर जाती है इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए कटिंग अब ये वाली मैं इस मिट्टी के गमले में लगाऊंगी और बाद में बरसात का मौसम जब आएगा अगस्त सितंबर तो मैं फिर बाद में इनको बड़े 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 गमलों में ट्रांसफ़र करूँगी अभी मेरे पास छोटे छोटे गमले हैं और कुछ को मैं पॉली बैग में लगाऊँगी मेरे पास खाली पॉली बैग पड़े हैं उनमें लगाऊंगी गमले तो और भी हैं लेकिन मैंने कुछ संभाल के रखे हैं कि कुछ और जो समर प्लांट्स हैं उनको लगाऊंगी तो देखिए फ्रेंड्स सारे कटिंग्स लगा लिए मैंने और इन पॉली बैग में भी लगाया है मैंने भाई पॉली बैग में जब भी अगर कोई भी कटिंग आप लगाते हो या कोई भी प्लांट लगाते हो तो चार पांच होल आपको पेचकस से कर देना है साइड साइड में ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो सारा ही ड्रेनेज हो के बाहर निकल जाए नहीं तो पूरा पौधा सड़ जाएगा और गमलों में तो नीचे होल रहता है ना इसलिए पॉली बैग में नहीं होता है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है अब मैंने पानी भी सब में पौधों में डाल दिया है और किसी में मैंने दो तीन लगाए हैं देख आप, देख आप देख सकते हो और एक दो दिन मैंने इनको सेमी सेड में रखना लेकिन अभी मौसम आप देख सकते हो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बारिश का मौसम कहीं आसपास भी बारिश हो रही है तो जहाँ नहीं है वहाँ भी मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो इस चीज़ का हमें धूप का भी इसका उतना डर नहीं है और बाद में मैं स्प्रे करूँगी इनमें थोड़ा थोड़ा मुझे वाइट वाइट सा मिली बग का जो अटैक होता है ना इनमें बहुत जल्दी होता है थोड़ा लग रहा है तो मैं एक दो दिन के बाद इसमें थोड़ा स्प्रे करूँगी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो किस तरह से मैंने कटिंग लगाई है अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा फ्री का सब्सक्राइब होता है फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर ओके बाय बाय फ्रेंड्स